आदिवासी बहुल इलाके डिंडोरी में प्रशासनिक तंत्र सहित जनप्रतिनिधियों की कार्य प्रणाली हमेशा से ही सुस्त और लचर रही है, या फिर अवैध कार्य करने वालों को संजीवनी देने का काम प्रशासन मौन रहकर करता आया है। शायद यही वजह है कि इलाके में अवैध कार्य करने वालों के हौसले बुलंद हैं। संबंधित विभाग की मौन स्वीकृति के चलते विकासखंड समनापुर अंतर्गत आने वाली रेत खदान तिवारी और कमको मोहनिया से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां ठेकेदार अपनी दबंगाई की दम पर बेखौफ जेसीबी मशीन लगाकर नदी से रेत निकालने के लिए नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। जिले में प्रचुर मात्रा में खनिज पाया जाता है, जिसके उत्खनन के लिए शासन द्वारा तय मापदंडों के अनुरूप ही खनन करना चाहिए, परंतु इस आदिवासी जिले में चाहे रेत ठेकेदार हो या स्टोन क्रेशर चलाने वाले या फिर सड़क निर्माण का कार्य करने वाले ठेकेदार, ये सभी सारे नियमों की बखिया उधेड़ते हुए अवैध कार्यों को अंजाम देते हैं। डिंडोरी में खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बावजूद इसके एनजीटी के निर्देशों को धता दिखाते हुए जिले के दिवारी रेत खदान ठेकेदार दिन रात पोकलिन से अंधाधुंध खनन कर बुढ़नेर नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। वहीं मामले से जुड़े जिम्मेदार जमकर कमीशनखोरी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासनिक अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। माध्यम से ये जानकारी मुझे मिली है, इस पर शीघ्र ही कड़ी कार्रवाई कर आपको बताया। वे इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। ठेकेदारों की मनमानी के चलते खनिज विभाग का अमला बेदम सा नजर आ रहा है। गेट पास पर्ची में ही 11,000 की धनराशि चढ़ा कर दी जाती है, जबकि 13,000 रुपए की रॉयल्टी नियम के अनुसार काटी जानी चाहिए, जो नहीं काटी जा रही। ये भी नहीं काटा जा रहा है भैया, वहाँ गेट पास के नाम से पर्ची दिया जाता है जो 11,000 रुपए लेते हैं, इसके बाद रॉयल्टी काटते ही नहीं है। रिकॉर्ड में आ ही नहीं रहा है ना, कितने हजारों गाड़ी से ऊपर माल निकल गया, रिकॉर्ड में थोड़ी ना आ रहा है। इसी के चलते शासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। रेत कारोबारियों द्वारा रॉयल्टी की मांग की जाने पर ठेकेदार के गुर्गों द्वारा ये बात कही जाती है कि तुम्हारी गाड़ियां कहीं भी पकड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी सभी जगह सेटिंग बनी हुई है। गौरतलब है कि बगैर रॉयल्टी के दिन में लाखों रुपए का व्यापार रेत ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं।